नमस्कार, स्वागत आप सभी का। खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई से 1 जून तक दक्षिण भारत के दौरे पर जा रहे हैं। 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे, जहां वो 3 दिनों तक मेडिटेशन करने वाले हैं। मोदी उसी ध्यान मंडप में मेडिटेशन करेंगे जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया। पीएम मोदी 30 मई को प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचने वाले हैं। और राजनीति की खबरों की बात कर लेते हैं। चुनाव चल रहा है तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा दावा कर दिया। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन बड़ा बयान बंगाल की राजनीति पर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इंडिया अलायंस की बड़ी ताकत मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इंडिया अलायंस की इसी ताकत को उसकी बड़ी कमजोरी में बदल देना चाहते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा है इंडिया अलायंस के सरकारों द्वारा मुसलमानों को ओबीसी कोटे में डालकर आरक्षण देना और पिछड़ी जातियों का हक छीन लेना। पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है, तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था, हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उदाहरण देते हुए दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का जिक्र किया। रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। अब दिल्ली में ही जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है उसको उन्होंने माइनॉरिटी बना दी, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए, एडमिशन में भी नहीं, नौकरी में भी नहीं। और बाद में तो चीज़ें उभर करके आई कि करीब करीब 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इस प्रकार से आरक्षण के जो एससी एसटी ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को ओडिशा और बंगाल से रिकॉर्ड तोड़ सीटों की उम्मीद। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछली असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इस्तेमाल की गई भद्र भाषा भी एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा उनके विरोधी उन्हें 101 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं। जहां तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूं। मौत का सौदागर किसने कहा था, गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था। और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट ने एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई थी। बंगला नहीं लेने से आजादी नहीं होता, आजाद भी याद रखना बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है।
प्रधानमंत्री मोदी का यह इंटरव्यू लोकसभा चुनाव के फाइनल राउंड का फाइनल प्लान, जिसमें सबसे बड़ा फोकस ओबीसी वोट बैंक, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति ओडिशा और बंगाल पर है। और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर करारावार किया। उन्होंने कहा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो नवीन बाबू मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि ओडिशा में बाबुओं की जगह जन सेवक का शासन होगा। भद्रक के भाइयों बहनों, 400 पार तो करना ही है, 17 सीटें ओडिशा में लोकसभा की जीतना है, इसके साथ साथ ओडिशा में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनानी है। 75 से ज्यादा सीटें जीतकर एक डबल इंजन सरकार ओडिशा में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भाइयों बहनों, आज मैं भद्रक की जनता को कहने आया हूं, 4 जून को नतीजे आएंगे और नवीन बाबू मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इधर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक जनसभा के दौरान वो माइक हाथ में पकड़े नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनका हाथ तेजी से कांप रहा है। इस वीडियो पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने तंज कसा और पूर्व नौकरशाह पर हाथों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की बात कही। उधर बीजेपी के हमले पर नवीन पटनायक ने पलटवार किया और बीजेपी पर मुद्दों से भटकाने के आरोप लगा डाले। आई बिलीव द बीजेपी विच इज नोन टू मेक नॉन इश्यूज इनटू इश्यूज are discussing my hands, this will certainly not work. I believe the BJP, which is known to make non-issues into issues, are discussing my hands, this will certainly not work. कह रहे हैं नवीन पटनायक, पहले से ही तय था कि 1 जून को आखिरी चरण के मतदान के अगले दिन यानी कि 2 जून को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल जाना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इस पर एक बार फिर से मुहर लगा दी गई। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अपनी अंतरिम जमानत को 1 हफ्ते तक बढ़ाने की मांग की थी। केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए उनको कुछ जरूरी जांचें करानी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज इसी याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की, जिसको कोर्ट ने इनकार कर दिया। इस पर बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि इन दिनों बदलते मौसम के मिजाज ने सियासत का मिजाज भी बदल डाला है। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं तो सियासी मंच से जुबानी हमलों की बारिश हो रही है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की काशी में। दरअसल राहुल गांधी और अखिलेश यादव बनारस में पीएम मोदी का विजय रथ रोकने के लिए साझा रैली कर रहे हैं और उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो इससे पहले नदारद रहे थे। देखिए जरा। मोदी की काशी पर 2 लड़कों की नजर। अब समय आ गया, सूद ब्याज सहित वापस लेवे का पूरी ताकत के साथ 1 तारीख के हाथ के पंजा पर वोट पड़े के चाहिए। और कैसे पड़ी? अरे खटाखट 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 खटाखट। अब तुहार काम हम करब फटाफट फटाफट फटाफट। मुद्दों पर बात, अग्निवीर पर सियासी बयानों की बरसात। राहुल गांधी अग्निवीर योजना को रद्द करने की बात कह रहे हैं तो अखिलेश यादव राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे हैं और बात महंगाई, बेरोजगारी और कच्ची पक्की नौकरी की कर रहे हैं।
अग्निवीर योजना के हम खिलाफ हैं। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को इंडिया सरकार फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने वाली है। ये सेना का स्कीम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का स्कीम है, ये पीएम ऑफिस का स्कीम है, और इससे सेना का, देशभक्तों का, जवानों का अपमान किया जा रहा है, इसीलिए हम इस स्कीम को रद्द करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा, और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महंगाई बढ़ा दी, बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी? जो चीजें महंगी हुई वो हम और आप जानते हैं, चाहे जो भी जरूरत की चीज हो सब महंगी हो गई, डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। मोदी की काशी में सियासी एंट्री के साथ जिस तरह अग्निवीर योजना का मुद्दा उठा है, जिस तरह देश के योद्धाओं को सियासत में लाने की कोशिश हो रही है, उस पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। हूँ, लड़ सकती हूँ, नारा देना बहुत आसान था, लेकिन न कभी लड़ी, न कभी लड़कियों के लिए खड़ी हुई। ये तो महिलाओं के साथ अत्याचार, अपराध और उनकी हत्या भी हुई, तभी प्रियंका गांधी नजर नहीं। नेहा कांग्रेस के काउंसलर की बेटी थी, निकाह करने के लिए, जबरन निकाह करने के लिए उन्होंने मना किया, गला रेत कर हत्या कर दी गई। उनकी सरकार में उनके काउंसलर की बेटी को न्याय नहीं मिला, लेकिन वो नजर नहीं आई। लड़की हूं और लड़ नहीं सकती हूं। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपया महीना वायदा करके गई थी, 16 महीने हो गए, शक्ल नहीं दिखाई और ना ही एक पाई भी महिलाओं को दिलाई। 24,000 रुपए की देनदारी एक एक महिला की, राज्य की सरकार की है, क्या ये लड़की उनके लिए लड़ सकती है? राहुल गांधी को मैं एक छोटी सी सलाह देता हूँ, फौज में आके नौकरी करो, उसके बाद ये सब कुछ बोलना। बिना नौकरी किए बिना फौज को जाने बोलना उचित नहीं है, और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसको, वो टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं। सेना पर राजनीति दोधारी तलवार है, इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन जिस तरह दो लड़कों की जोड़ी ने देवरिया से वाराणसी तक अग्निवीर पर सियासत करने की कोशिश की, आरक्षण के मुद्दों पर वोट मांगने की जरूरत की, अब इस कोशिश का रिजल्ट 4 जून को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक तरफ लालू यादव 1 जून की तैयारी में कमर कस रहे हैं, अपने वोट बैंक को जोड़ने के लिए मौलानाओं और पीर बाबा की दरगाह पर सजदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ लंच पार्टी कर रहे हैं और आखिरी चरण से पहले बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। पीपल समझ चुके हैं, देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। ये नए तरीके की राजनीति है जो अब राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भोजन के इस वीडियो के सहारे चल रही है। कभी सभा के बीच, कभी सभा से पहले, कभी सभा के बाद में, तो कभी रेस्ट मोड में। विज्ञान कहता है कि मनुष्य को जीने के लिए संतुलित आहार चाहिए, न कम न ज्यादा, एकदम सादा, एकदम संतुलित। यहाँ भी एक बैलेंस कायम है, और वो बैलेंस है नियमित अंतराल पर सामने आने वाले ऐसे वीडियो का। कभी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ मछली खाने का वीडियो शेयर करते हैं, कभी तेजस्वी यादव संतरा खाने का वीडियो शेयर करते हैं, कभी चुनावी सभा के बीच केक शेयरिंग होती है, तो कभी राहुल गांधी बहन मीसा भारती के साथ इस तरह भोजन का आनंद लेते हैं और मोदी सरकार के निंदा सुख में डूब जाते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रहना, लोग काम देखना चाहते हैं, 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं। नेचुरली
बिल्कुल बिना झिझक के कंफर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है, अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। दरअसल सियासत में कोई बात बिना मतलब बिना आधार के नहीं होती। इन वीडियो के जरिए भी लगातार ऐसे ही मैसेज दिए जा रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ एकजुट है, कि लंच डिनर वाली ये राजनीति किसको कितना रास आती है। और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर बता दें आपको, भोपाल नरसिंह घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक्शन के बाद अब ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। सीआईडी इंस्पेक्टर सुशील मजोका को बर्खास्त कर दिया गया है, नौकरी से बाहर कर दिया गया है। सीबीआई ने 2 लाख रुपए बरामद इनसे किए थे और सीआईडी ने सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर आपको निकलकर जो सामने आ रही है उसको बता रहे हैं हम कि नरसिंह घोटाले में बहुत सारे पेच, बहुत सारी चीजें निकलकर एक एक करके सामने आ रही हैं। और इसमें यह भी बात पता चली कि कुछ अफसर जो पूरे मामले की जांच कर रहे थे उन्होंने पैसे लेकर के और रिपोर्ट कुछ गलत बता दी, गलत बना दी, क्लीन चिट दे दी, जो कि जमीन पर था ही नहीं। अब इसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो निर्देश दिए हैं इसके बाद एक्शन देखने को मिल रहा है। इंस्पेक्टर सुशील मजोका को बर्खास्त किया गया, सीबीआई ने 2 लाख रुपए इनसे बरामद किए थे, सीआईडी ने सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर यह एक्शन लिया। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, बड़ी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है देखने को मिल रहा है और अब एक और कार्रवाई, एक अधिकारी को सेवा से ही बाहर कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से नरसिंह घोटाला सामने आया था उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी इस मामले में दोषी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके से सीआईडी के इंस्पेक्टर सुशील मोजोका जो जिसकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश सबसे कुछ देर पहले जारी किए गए, क्योंकि उन पर ये आरोप है कि जब वो सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर थे और उस समय उनके द्वारा नरसिंह घोटाले की जांच की जा रही थी, उस दौरान उन्होंने रिश्वत ली है और खुद जब सीबीआई की टीम ने उनके घर पर रिश्वत जब रेड की थी उस समय उनके 2 लाख रुपए उनके पास से बरामद भी किए गए थे। तो इस मामले में जो 23 आरोपी बनाए गए थे उसमें से एक आरोपी सुशील मोजोका भी थे और उन पर अब कार्रवाई की गई। इसके पहले भी हमने देखा कि एक जो सीबीआई के अधिकारी थे उनको भी बर्खास्त किया गया था, उसके बाद अब दूसरे एक बड़े अधिकारी की इसमें बर्खास्तगी देखने को मिली है। और देखिए 23 जो आरोपी हैं उन पर एक एक करके लगातार सरकार का शिकंजा भी कसता जा रहा है। अब तक इस मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस मामले में अब तक 13 आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक अधिकारी जो कि सीआईडी में पदस्थ थे और बाद में प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में गए थे, जांच कर रहे थे, जांच नरसिंह घोटाले की कर रहे थे और उसमें पैसे लेकर क्लीन चिट देने का काम किया था, बाद में सीबीआई ने जाँच की और इस बात का पता चला, अब कार्रवाई हुई है, सेवा से बर्खास्त कर दिया गया सुशील मजोका को। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की छत्तीसगढ़ में दस्तक पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बेहद बड़ा बयान दिया और साफ कर दिया कि गैंगस्टर को ठोक दिया जाएगा। पिछले दिनों रायपुर पुलिस ने 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया था। पूरी खबर जरा देखिए। छत्तीसगढ़ में नहीं बचेगा कोई गैंग। गैंगस्टर को 2-2, ठोंक दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नहीं बचेगा कोई गैंग। सूबे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आहट पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई और, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो के फारेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया, ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। 2 दिन पहले दरअसल रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली थी। पुलिस ने अमन साहू गैंग के 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया था। शूटर्स के निशाने पर छत्तीसगढ़ के व्यापारी थे।
अमन साहू गैंग से जुड़े हैं शूटर। अमन साहू गैंग झारखंड में सक्रिय। गैंग के तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं। यही नहीं, जिन शूटर्स को रायपुर पुलिस ने दबोचा है उनके तार मुंबई में एक्टर सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग से जुड़े हुए हैं। अब जबकि डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है छत्तीसगढ़ में किसी गैंग का सिक्का नहीं चलेगा, तो माना यह जा रहा है कि पुलिस पूरी सक्रियता से कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।